हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अरे ये क्या, सारे लोग एक साथ वीडियो देख रहे हैं? ओहो, पूरी पार्टी। और तो गाइस, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ बच्चे लोगों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट जो बना के दे दिया। आप प्यार दिखाइए थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर लोग। अरे भाई इतना गुस्सा, हर वक्त गुस्सा ही दिखाते रहते हैं। और तो प्यार दिखाइए, हाय हेलो करिए सबको। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लीजिए। चलिए चलिए मुंह खोलिए, मैं डाल देती हूँ। अरे ये तो मेरे कैमरे में ही सारा ग्रेवी लग गया, अब मैं क्या करूँ। तो चलिए मजाक मस्ती छोड़ते हैं और हम लोग खा लेते हैं। कल का मच्छी जो बनाई थी मैं, वो बचा हुआ था तो वही उसी से हम लोग खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या रखा हुआ आके, तो ये मतलब बड़े का गोश्त, गोश्त नहीं बोलेंगे इसको, ये सीरे का गोश्त जो सर का होता है ना, सर सर मुंडा मुंडी क्या बोलते हैं। क्या हो रहा है अली, गंजी पे अलीगंज। आप लोग सोचते हो ये मैं क्या कर रही हूँ, तो ये मैं कलर चेक कर रही हूँ ना, देना है देवरानी जी, मेरी आज घर जा रही हैं तो उनकी फरमाइश है, उनको लिक्विड लिपस्टिक मतलब कोई सा भी लिपस्टिक चाहिए, उनके पास नहीं है इस तरह का, तो इसीलिए तो मैं वही चेक करके दे रही हूँ। शादी में उनको जाना है तो इसीलिए वो बोली थोड़ा सा मतलब डार्क कलर चाहिए था, तो वही मैं सिलेक्ट करके दे रही हूँ। तो कोई चीज़ मैं देती हूँ तो वापस नहीं लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई आज दे रही हूँ कल रिटर्न ले लूँगी, ऐसा नहीं है। हाँ ये दोनों दे दो छोटी अम्मी को, हाँ दोनों ले जाओ, दे दो तो मम्मी दी। और ये सारा जाएगा मेरे सामान पूरा बिखरा हुआ है, ठीक है ना, खाने पीने की जो भी चीजें सब बिखरा हुआ है। तो अभी पूरा मेकअप का सामान जो है पूरा अच्छे से सेट करके रखना, घर से मैं आई हूँ तब से पड़ा हुआ सेट। अच्छा है ना ये वाला सेट, मैं भी बहुत अच्छा लग रहा है कलर, क्योंकि उनको शादी में जाना है उसी हिसाब से मैं कलर चूज करके देती हूँ। मैं दे देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, कोई चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरे देखिए थोड़ी बड़ी चीटियाँ लग गई है, मैं थोड़ा सा फोन पे बातें होते करने लगी थी, मम्मी का फोन आ गया था, तो देखिए चीटी लग चुका है, तो अभी इसको चलते हैं क्लीन करते हैं, साफ करना पड़ेगा ना, ये सीरे का गोश्त बोलते हैं बड़े का। तो हाँ मैं बता रही थी फैमिली के बारे में बात कर रही थी ना, हाँ जी, तो फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और फैमिली को ही इम्पोर्टेंस दें। ये जो सामान प्रोडक्ट ये सारे कुछ हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं, पर ये जो फैमिली का रिलेशन होता है, प्यार मोहब्बत जो भी कुछ है ना, ये रिश्ते हम पैसे से नहीं खरीद सकते, ये अपने मोहब्बत से या अपने ज़ुबान से। ज़ुबान से ऐसा कुछ कड़वा ज़्यादा ना निकाले कि आगे आपको प्रॉब्लम हो या फिर सामने वाले के दिल में थोड़ा सा घर कर जाए ना। होता है ना कभी कभी अपनी लाइफ में कि कोई किसी की बातें बहुत दिल में लग जाती है थोड़ी, क्योंकि जिसको इंसान ज़्यादा मतलब चाहता है ना तो उसकी बातें तो और ज़्यादा लगती है ना, लगती है कि नहीं, सही बोल रही हैं या नहीं तो बताइएगा आप हमें। तो यहाँ पे मैं साफ़ करने लगी हूँ, ठीक है ना, ये सब तो ये वाला काम मेरे से होता नहीं मीन्स कि मतलब मैं कर लेती हूँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, और अकेले सब करना सारा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा भी है ना, तो इसीलिए अगली बार एक बार और हस्बैंड जी लाए थे तो मैं तो नीचे सर उठा के देती थी, थोड़ा सा मैं रख ली थी, साफ़ कर ली थी और बना ली थी। तो अभी मैं ये साफ़ कर ही रही थी तब तक तो पता है क्या हुआ, अचानक मेरे छोटे पापा जो हैं वो आ गए हैं, मेरी बहन की शादी है कार्ड लेके, तो वो मैं वीडियो नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ देखिए वो कार्ड मुझे मिल गया, अभी पापा जा चुके हैं, तो मेरी बहन की शादी है तो उसी की कार्ड है, तो सोचिए मतलब ये शायद 14 या 15 तारीख को शायद ये कार्ड तो उसी डेट का है ये, तो वीडियो तो समझ सकते हैं मेरी वीडियो कितनी बैक चल रही है ना, कम से कम 15-16-17 दिन मैं पीछे बैक चल रही हूँ, तो वीडियो काफ़ी सारा मोबाइल में पड़ा हुआ है, मैं एडिट ही नहीं कर पाती, कोई ना कोई काम में फंस जाती हूँ। तुम्हारी शादी, खाला की शादी का कार्ड आया है, ये कुछ है, खाला का शादी होने जा रहा है। मम्मी हम लोग भी जाएंगे क्या? आप भी जाएंगे? बेटा जाना तो सब चाहते हैं पर क्या करें, बहुत सारी ऐसी मजबूरियां जो
तिल फट के रह जाता है। लीजिए इसको रख दीजिए, अच्छा से रखिएगा इसको, ठीक है ना। मेरी बहन की शादी के कार्ड ले जाओ, अच्छा से रखना, अच्छा से अलमीरा में डाल दो। देवरानी जी अपने घर जा रही हैं अभी। हाँ जा रहे हैं। ओ गिराएगी जल्दी, घर छोड़ के भागी है। अब पापा हैं तो कभी ले पता है, थोड़ा सा ये रहती है तो मेरा दिल लगा रहता है, मतलब ताकि ये मेरे पास आती है, मुझे टाइम देती है, मेरे पास बैठती है, बात करती है। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, तो जा रही है, दिल भी नहीं लगेगा। इसको साफ कर करके ना मैं सच में थक गई हूँ, आप लोग को ये आँख देखने में सही नहीं लगे, इसीलिए कवर कर दी हूँ। तो ये क्लीन करते करते मेरी हरासमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे देखिए, कल मैं जो साग ले गई थी देखिए बिल्कुल खराब हो गया ना, बहुत खराब हो गया। अभी मैं राइस बनाने जा रही हूँ, कुकर में निकाल कर पीसी में धो के चढ़ा दूंगी। और इसको मैं सोच रही हूँ आज नहीं बना के कल बनाऊंगी, दिल नहीं कर रहा है सच्ची। और खाने के लिए चीज़ें जो है, मछली उछली है और कच्चा मछली भी मैं मतलब रख दी हूँ थोड़ा सा, तो उसको सोच रही हूँ फ्राई कर देती हूँ और ये कल मैं बनाऊंगी सच में, क्योंकि अभी दिल नहीं है बिल्कुल। मैं थक गई हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे रेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो इसलिए कि मैं थक जाती हूँ तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे पैरों में दर्द होने लगता है ना। तो यहाँ पे कुकर भी मैं मंगा ली हूँ नीचे से, मेरे पास इतना बड़ा कुकर नहीं है तो उसी में मैं चढ़ाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा है ना ये, तो इसीलिए। तो चलिए, और पापा भी आ जाए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे पापा आए। पर मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा पापा आए, कुछ भी नहीं, मतलब चाय भी एक कप नहीं पिए, मना कर दिए हैं। फिर बहुत दिल को हर्ट हुआ है सच में, अच्छा नहीं लगता है ना बेटी के घर आके गिलास पानी में नहीं पिए बात। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका दिल नहीं किया हो सकता है, वो दवा खा के आए थे ना इसीलिए शायद हो सकता है, तो पता नहीं। अभी मैं सारे बर्तन जो है जा रही हूँ धुलने के लिए, थोड़ा सा फीलिंग जो है ना बहुत सैड सा हो गया, क्योंकि बहन के साथ ही है और हम लोग जा के भी नहीं जा सकते। जाती मैं, पर मेरी बहन भी तो एक बार भी कॉल नहीं की, बाजी आइएगा, कोई वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं, माँ नहीं है पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कोई बात नहीं है। बहुत मुझे तकलीफ हुआ, वो शायद वो एक बार भी बोलती तो नहीं आती कि आपसे बातें नहीं करे और फिर आप जाओ उनके शादी में, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं जाऊँ सब लोग मुझे इग्नोर करे, तो वैसा उसी वैसी जगह हम जाना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे नहीं, मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं पर किसी किसी की कमी ज़िंदगी भर होती है, तो वैसे ही इस चीज़ की कमी मुझे ज़िंदगी भर महसूस होगी। पर कोई बात नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं, मैं यहाँ रुक के बताना नहीं चाहती हूँ, ठीक है ना। चलिए हम अपना काम करते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी और अभी दूध जो है निकालते हैं, दूध काफ़ी सारा पड़ा हुआ है तो वन लीटर मैं दूध निकालती हूँ बाबू के लिए। मुझे मेरे बेटा इधर आइएगा, ये पकड़ेगा पैकेट, किचन में रखिए। और ये दूध को हम रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं यूज लाइक निकालती हूँ और बनाती हूँ। तहरीन क्या कर रही है, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ आज बिल्कुल। और पापा आए थे, घर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, जो हॉल है ना इतना सारा कचरा बच्चे फैला के रखे थे, तो अभी थोड़ा बहुत क्लीन मैं की हूँ, मतलब पेपर पर फाड़ ओढ़ के रखते हैं ना, तो बस यही सब है। बस बेटा दे रहे हैं। अली बाबू जो है बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, अभी इनके नाना आए थे तो सोए ही थे। अभी यहाँ पे इनको फटाफट से दूध रखी हुई है बॉयल होने के लिए, दूध में बर्फ भी है, उसमें से निकाल के फटाफट से दूध में शक्कर पर डाल के दे रहा। हाँ बेटा आ गए, आ गए अली, अली मेरे उठ गए हैं, अली मेरे यहाँ शो के उठे हैं अभी निन्नी करके मेरे गुल्ली। इसको हटाए, हटो 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 मेरे बिच्छक, दूध मिक्स कर दे। अरे यहाँ पे जो है टीवी चल रहा है नहीं समझिया, सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए, सब हटाना है मुझे, सब क्लीन पूरे अच्छे से। रूम को अभी सेट नहीं की हूँ, जब करती हूँ तब आपको बताऊंगी। हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, लीजिए लीजिए दूध, पहले पीजिए, पहले दूध पीजिए, तब मोबाइल ला के दो बाबू को, बाबू को मोबाइल दे दो ला के, पहले लेटू लेटू करिए, पहले सोई 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 आप, पहले दूध पीजिए। इनको यहाँ पे कूलर भी चलना चाहिए और सोना भी है इनको, पापा का कॉल आ रहा है।
सारा सामान वाओ सुमैया कब से खो रही थी फोन की थी कब तो फिर भी पापा ले आए हम क्या खिलाए बिस्किट लाए हैं आलू है ये रस बिस्किट है ये पापा बिस्कुट है ये तहरीन पापा है तहरीन खरीद के लाए हैं हाँ वन बरस अब चोरी करके लाए सब तहरीन का बिस्कुट है ये सब तहरीन खाती मैं भी खाऊंगी मुझे भी अच्छा लगता है फूटी है कल साथ हो जाएंगे तो इसमें भी नहीं आता है सुमैया कह रही है शादी है हम लोग भी जाएंगे अम्मी कल हल्दी है हम लोग को भी जाना है बच्चा का जान रहा है तो कल हल्दी है सभी का जाने का तो आदमी का जाता नहीं कोई इग्नोर करे कोई बात नहीं करे कोई रिश्ता सब लोग लो खत्म कर दिया कौन का प्रोग्रेस में मछली फ्राई हो गया है थोड़ा जला जला हो गया मसाला थोड़ा सा जल गया है पहले वाला का भी यहाँ पे फ्राई हो रहा है दूध भी बना ली हूँ बाकी ये सब इसमें मछली बचा हुआ था और यहाँ पे राइस तो डिनर में मैं पुलाव ही बना ली थी और मछली था और फ्राई भी की थी तो हो गया हम लोग का और फिर मॉर्निंग में आपको मिलते हैं तो अभी हमारा देखिए मॉर्निंग हो गया और यहाँ पे मॉर्निंग का टी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं हस्बैंड जी मेरा और अली बाबू का ठीक है बच्चे जो हैं स्कूल जा चुके हैं मैंने कोई मॉर्निंग वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि दिल नहीं कर रहा था कभी कभी दिल नहीं करता है ना डेली 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 कंटिन्यू होना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि लाइफ में बहुत सारे काम भी होते हैं और मॉर्निंग में आज पता है आज कल मैं बता रही थी ना कल कार्ड आया था तो पापा बोल के भी गए थे कल हल्दी है तो आज मेरी बहन का हल्दी भी है लगने वाला तो इसीलिए मॉर्निंग में बैठ बैठ के थोड़ा सा आंसू का गंगा बहा ली हूँ अब कुछ बोल नहीं सकती मुंह से तो आँख ही ना बोलता है तो बस यही और कुछ नहीं बस तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था दिल में बहुत सारी मतलब छोड़िए अब क्या बोलना अब तो सब खत्म हो चुका है ना कहने का मतलब शादी अब ख़त्म हो गया है वीडियो लेट जा रहा है पर ये वीडियो उसी टाइम का है तो इसीलिए मैं वो उसी टाइम की बातें कर रही हूँ अभी की बातें कैसे कर सकती हूँ तो आप लोग को अब डेली का अपडेट देती रहती हूँ मैं तो जैसा कि आप लोग देखे थे कल मैं जो सिरे मतलब सिरे का गोश्त था वो साफ करके रखती थी फ्रिज में बनाई नहीं थी तो यहाँ पे अभी वही हड्डा हड्डी जो उसमें तो सिर्फ हड्डी ही मिलता है और कुछ मिलता ही नहीं सच में ये मुझे बिल्कुल खाती भी नहीं हूँ मैं थोड़ा बहुत ही खाऊँगी बाकी सारा कुछ उठा के बाजी के घर भेज दूँगी और इसमें राई दाल बन गया चावल बन गया हमारा सब मतलब खाना हम लोग का बन गया है अब हम लोग लंच करेंगे
ब्रेकफास्ट हम लोग का हो गया, मॉर्निंग में ही हम लोग चाय वाय पी ली, उसके बाद से बाद में ब्रेकफास्ट भी कर ली है। तो क्योंकि वीडियो बता ही रही हूँ आज शूट करने का दिल नहीं है, थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा बस एक क्लिप है दो चार बस, उसके बाद से वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। यहाँ पे राइस राइस बन रहा है, अभी याद ही नहीं रहता ना वीडियो बहुत पहले कर, बर्तन सारा क्लीन कर ली हूँ, बस एक ही बचा हुआ है सिंक में बर्तन, और सारा कुछ क्लीन मैं कर दी हूँ। थोड़े बहुत जो होंगे खाना वाना खाने के बाद एक ही साथ सारा कुछ धुल दूंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे वैसे पड़ी हुई है, तो अभी सबको सेटअप करना है अच्छे से। अली तुम कहाँ चढ़ गए हो? अली अली बाबू वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? उतरिए नीचे, उतरिए नीचे, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। अली आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं बाबू? हो गए, चलिए टीवी नीचे गिर जाएगा, आ जाइए नीचे आइए। पता है बाबू की वजह से ही टीवी वहाँ पे लगा है और वो वहाँ तक चढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी मैं अपना रूम वूम जो है बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो शाम में ही, शाम का ये वीडियो है, तो शाम में पूरा मतलब कि जो रूम है अपना सेट कर ली हूँ, थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ बस। क्योंकि देखिए पूरे दिन मैं आज बहुत ज़्यादा मैं बहुत रोई हूँ, सच में बहुत दिल से, मतलब बहुत ज़्यादा इस तो शादी में तो नहीं गई पर दिल में जो है ना वो पूरी ज़िंदगी भर रहने वाला है। क्योंकि मैं अपनी सारी बातें आप लोग को ही बताती हूँ, बाकी अपनी सारी बातें किसी को कह भी नहीं सकते। हाँ जी मैं जानती हूँ मेरी फैमिली पता नहीं मेरी वीडियो देखते हैं या नहीं, वो तो मैं नहीं जानती, पर जो भी है आप लोग से सब कुछ मैं शेयर करती हूँ। हाँ एक बात और करना है, जिन लोगों को मेरी वीडियो बनाने से प्रॉब्लम है ना, तो अपने सजेशन खुद अपने पास ही रखें, ठीक है ना। मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मतलब और मेरे मतलब मैके की फैमिली सपोर्ट करती है, और मुझे यहाँ कोई सपोर्ट करे या नहीं करे मेरे हस्बैंड मेरी सपोर्ट करते हैं, तभी तो मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। नहीं तो अगर नहीं करते तो फिर मैं वीडियो अपलोड कैसे कर पाती बताइए। मेरे मोबाइल ले लेते, वो मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराते, नेट ही नहीं रहेगा तो मैं वीडियो अपलोड कैसे करूँगी, आप ही बताइए ना। तो फिर इसीलिए फालतू की बकवास अपने पास ही रखें, जो भी हैं वो जिनको मैं बोल रही हूँ वो समझ जाएंगे। तो मेरी फैमिली मेरी सपोर्ट में है, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ या नहीं करूँ, या फिर मैं जो मर्ज़ी कर सकती हूँ, मैं खुद की मर्ज़ी की मालिक हूँ, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।